बसमान रह मैं सैं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल जी हाँ नाजीन एक मौका आप और आपके सवाल सीजन थ्री में और एक बेहतरीन शख्सियत आपके दरमियान होंगी जो अपने बेहतरीन सवाल हमें भेज कर एक मौका हासिल किया है लेकिन उनसे मुलाकात करने से पहले के कहते हैं कि अपने से बड़े को आप हमेशा आइडियल बनाते हैं लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है जब आपके अपने छोटे आपको अपना आइडियल बनाएं लेकिन अक्सर घर में ऐसा माहौल होता है कि लोग अपने आप को दूर करने लगते हैं लेकिन हमारा मकसद यही है कि हमारे प्रोग्राम के जरिए आप कुछ सीखें और अपने घर में बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें जी जिया नाज़ी आप सोच रहे होंगे कि आज प्रोग्राम एक मौका में कौन आने वाला है क्या सवालत होंगे और वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं जिया नाजीन इनके बारे में मैं बता दूँ पहली बार मध्य प्रदेश से हमारे प्रोग्राम एक मौका में जो जबलपुर से रहने वाले हैं वो हमारे प्रोग्राम में एक मौका में अपने सवाल भेज एक मौका हासिल किया है तो चलिए इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है मैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ हम इस्ताल करते हैं हमारे प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीजन थ्री में पहली बार मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले शब्बर हुसैन जैदी साहब का वालेकुम सलाम भाई कैसे हैं आप खैरियत से हैं बस आपकी दुआ है चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल करूँ जिससे पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे नाजरन को बताएं मैं नाजीन जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं मेरा नाम सै शब्बर हुसैन जैदी और मैं जबलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ ओके okay. मैं मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टडी और जॉब भी कर रहा हूँ ओके okay. मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेंगलुरु से की थी ओके okay. और उसके बाद माशा मैं यहाँ पे अपना पार्ट टाइम जॉब के लिए कोई जॉब तो नहीं करता मगर लोगों की मदद करता हूँ मैं सोशल सोशल नेटवर्क के जरिए और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी शिया मेट्रोमनी डॉट कॉम के बहुत सारे ग्रुप को क्रिएट किया हूँ ओके okay. जिससे मैं बहुत सारे डाटा कलेक्ट करके दूसरों को प्रोवाइड कराता हूँ okay. जिससे लोगों की मदद भी होती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जिससे सिर्फ दुआएं हासिल होती हैं और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं तो यानी शादी के लिए लोगों के लिए आपने ग्रुप बनाया हुआ है और उसके एडमिन आप हैं जी बहरहाल प्रोग्राम एक मौका में क्यों आना चाहते थे भाई मेरे अंदर भी कुछ सवाल ऐसे थे जो मैं कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहता था मुझे डर लगता था या घबराहट होती थी या फिर शर्म आती थी कि पूछूंगा तो लोग हंसेंगे तो मेरे ही जैसे और भी कितने मेरे भाई बहन होंगे जो ये सोचते होंगे इस, इसलिए मैं एक मौका पे आके अपने जो सवाल रख रहा हूँ तो मैं ये सोच के रख रहा हूँ कि जैसे मैंने हिम्मत करी शायद वो भी हिम्मत करें और अपने अंदर इन सवालों को पल पलने के बजाय उसका जवाब ढूंढने जवाब ढूंढने की कोशिश कर राइट मैं जबलपुर के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे तो जबलपुर के बारे में आप बताएंगे क्योंकि पहली बार कोई हमारे प्रोग्राम में पहली बार कोई हमारे प्रोग्राम में आया है जबलपुर मेट्रो सिटी और माशाल्लाह वहाँ पे शिया आवाम की तादाद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी और आज़ादारी वगैरह भी बहुत अच्छी होती है हर एजुकेशन है अच्छा वहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से कॉलेज लिखाई में पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छा है वहाँ पर और प्लेसेस भी बहुत अच्छे हैं घूमने के हिसाब से ओके चलिए शब्बर हुसैन जैदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने बेहतरीन सवाल भेजे थे जो आज आपको एक मौका मिला है तो आप अपने सवाल पूछने के लिए तैयार हैं जी भाई बिल्कुल बिल्कुल तो जी हाँ नाजिन आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम में एक मौका आप और आपके सवाल में सैयद शब्बर हुसैन जैदी साहब जो आ चुके हैं अपने बेहतरीन सवालों के साथ चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि आज शब्बर के सवालों का जवाब देने के लिए हम किसे बुलाएंगे तो जी हाँ नाजिन हम इस्ताल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में मौलाना हुसैन मेदी हुसैनी साहब का अल्लाह अलहमदिल्ला माशा मोदी साहब हम शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे प्रोग्राम एक मौका अलहमदिल्ला तीसरा साल इसका चल रहा है और अब तक की तकरीबन एटीन स्टेट से लोग हमारे इस प्रोग्राम में आ चुके हैं और पचास से ज़्यादा लोगों को एक मौका दिया जा चुका है सो आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आदमी घुटन महसूस करता है जी। जब उसको उसकी सोची हुई चीज़ों का जवाब नहीं मिलता बिल्कुल और इंसान को जब उसकी सोची हुई सोचे हुए सवालात का जवाब मिल जाता है तो यक बात दी फिर सवाल ख़ुद उभरने उभरने लगते हैं राइट लिहाजा इस एक मौका ने बहुत से जहनों को सोचने के लिए रवानी दे दी है जी, और जब वो हौज में पानी रहता है तो सड़ जाता है लेकिन दरिया में जब पानी रहता है तो रवानी की वजह से ज़िंदा रहता है ताज़ा रहता बहुत है बहुत जी जी तो अगर ये एक मौका ना होता तो फिक्रें जम करके ठहर करके मुर्दा हो जाती लेकिन इस मौका इस प्रोग्राम के जरिए से न जाने आपके बयान के मुताबिक हम बता नहीं सकते लाखों ने देखा कि दो लाख ने देखा कि दस लाख ने देखा जी जी कितनों ने देखा इसे बताया तो नहीं जा सकता है तो कम से कम इतनी फिक्रें जिंदा तो हो गई और कुछ ने हिम्मत करके आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दरख्वास्तें दी आपने अपने, अपने इम्कान के साथ उनको दावत दी और फिर उसके बाद उन्होंने सवाल पेश किए तो उम्मीद तो की जाती है कि ये फ़िक्र जिंदा के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है जी बहुत बहुत ही खूब आपने कहा और यकीन मोबाइल साहब जो प्रोग्राम एक मौका में आ चुके हैं कितने ऐसे लोग थे जो पहली बार मुंबई आए हैं और कितने ऐसे लोग थे जो टी वी पे कभी नहीं आए थे लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई उनके फैमिली वालों ने उनके माँ बाप ने यहाँ पे भेजा खासकर अगर खुवातिन में अगर देखें तो काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं घर के मसले हों या कुछ और मसले हों बहर प्रोग्राम एक मौका का तीसरा सीजन है अलमदिल्ला मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारे भाई जबलपुर से जो है ताल्लुक रखते हैं और इनका नाम सैयद शब्बर हुसैन जैदी साहब है और कुछ अहम सवाल हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ मुतमिन बख्श हो के यहाँ से जाएंगे इन माशाला है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें तो जी हाँ नाजीन आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम में एक मौका आप और आपके सवाल में मौलाना हुसैन मेदी हुसैनी साहब भी आ चुके हैं जो शब्बर हुसैन जैदी सवाल करेंगे और उसके सवालों का जवाब देंगे आप कहीं मत जाइएगा मैं, मैं फौरन हाज़िर होता हूँ ये सवाल और जवाब के सिलसिले के बाद अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ बिस्मिल्लाह मेरा सवाल है मौलाना साहब अगर किसी लड़के या लड़की के माँ बाप उसे बचपन में छोड़ के चले जाएँ और उस पर कभी कोई पलट के ना देखे और ध्यान ना दें उसके ऊपर कोई भी तो उस जबकि बच्चों पे तो ये वाजिब होता है कि वो अपने माँ बाप का एहतराम करें लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि माँ बाप बच्चों से दूर होते जाते हैं कभी उन्हें हॉस्टल में भेज दिया जाता है या फिर उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया जाता है तो इसके लिए आपकी क्या राय है रहीम सबसे पहली बात तो ये है कि माँ बाप तो, तो माँ बाप हैं जानवरों में भी अल्लाह ने औलाद से मोहब्बत रखी है जानवर भी अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाते आपने देखा कि अगर मुर्गी के बच्चे के ऊपर चील हमला करती है तो एक मुर्गी होने के बावजूद वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है तो माँ बाप बच्चों को छोड़ते नहीं हैं हालात ने इतना तंग कर दिया होता है कभी कभी कि वो बच वो मोहब्बत जो बच्चों के तरफ से होती है वो हालात की बुनियाद के ऊपर टूटने लगती है लिहाजा यूरोप में तो ये देखने में आया है कि वहाँ के ऊपर बच्चों को नर्सरी में डाल दिया और उमूमन, लेकिन इंडिया में अभी इस कैफियत को अगर होगी भी कहीं तो बड़ी शादो नादिर होगी लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आ जाए कि माँ बाप बच्चों से गाफ़िल हो जाए और किसी और की गोद में बच्चे पलें पढ़ें परवान चढ़ें और इत्तेफाक से बच्चे जो हैं फिर लायक भी हो जाएं पढ़ लिख भी लें दूसरों की गोद में तो वो रिश्ता नहीं टूटता उनका रिश्ता रिश्ता रहेगा चाहे वो अपने परवर परवरिज करने वालों को अब्बू और अम्मी ही क्यों न कह रहे हों लेकिन वो औरत भी नामहरम रहेगी उसके हक में और वो उसका बाप नहीं बन सकता हती कि मरने के बाद क़ब्र में भी जिसने पाला है उसकी तरफ मंसूब नहीं होगा बल्कि जिससे पैदा हुआ है उसकी तरफ मंसूब होगा लिहाजा अगर कभी कोई ऐसा दुनिया में वाक़ हो जाए और औलाद बढ़ जाए बाशर हो जाए और उसको अहमियत वालदेन की मालूम हो तो उसको चाहिए कि वो बिखरे हुए इन दोनों दानों को इकट्ठा करे और नई ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करें और अगर ऐसा हो कि अगर हम उन्हें लेके भी आए और जिन्होंने पाले या फिर जिनके साथ थे बचपन से तो अगर उन्हें गवारा ना हो या उन्हें सही ना लगे वो बात फिर देखिए सवाल ये है कि हुक्म खुदा सब पर भारी है अल्लाह का हुक्म है कि व बिलवालदेन एहसाना क़ा रब का ताबुदा या वालदिन एहसान अल्लाह का यह फ़ैसला है सोर बनी इसराइल जिसको कहते हैं पंद्रवा पारा शुरू होता है सोर इसरा से उसके अंदर यह आए थे कि कदा रब का ताबुदाल तुम्हारे रब का फैसला यह है कि इबादत उसकी करना वबिलवालदिन एहसान अपने वालदिन के साथ एहसान करो तो ये वालदा की जो लफ्ज़ है ये हमेशा बोली जाएगी टूटती नहीं ये लफ्ज़ कभी टूट नहीं सकता है बाप है तो रहेगा बाप चाहे वो अगर कत्ल भी बेटे को कर दे तो यही कहा जाएगा कि बाप ने कत्ल किया है समझ रहे हैं अगर माँ छोड़ के चली भी गई तो यही कहा जाएगा कि ये फ़लाँ की फ़लाँ का बेटा है यानी वो रिश्ता टूट नहीं सकता तो क़रन मजीद ने हुक्म दिया है वालदेन के साथ एहसान करो और अगर तो उन वालदन में से कोई बूढ़ा हो जाए या एक हो जाएं तो लातकल्ला हम उफिन वला तनहर होमा तुम उन दोनों को झड़कना नहीं उनको जलील न करना उन्हें उफ न कहना अब रहा मा जिसने परवरिश की है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि घर अलहदा कर ले घर अलग कर ले और घर अलग करने के बाद से अपने वालदे को जमा करें और उनसे भी रास्ता रखे लेकिन तीन चीज़ें होती हैं ज़र ज़मीन ज़न समझे इसके माने जर पैसा इख्लाफ का सबब बनता है औरत अख्तलाफ का सबब बनता है बनती है और ज़मीन अख्तिलाफ का सबब है तो ये तीन चीज़ें रुकावट बन सकती है मगर एक समझदार आदमी को चाहिए कि अगर उसके वालदे उसको नज़रअंदाज कर चुके हैं और वो अक्लोशर रखता है तो उसे चाहिए कि वह अपने वालदेन को दोबारा तलाश करें हमारे सामने एक नज़ीर है और वो चूंकि टीवी के ऊपर आई थी पता नहीं कौन आज तक के ऊपर आया या एन टीवी के ऊपर आया एक छोटा सा लड़का था जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक साहब को मिला और वो फैमिली अपने साथ उस लड़के को लेके आ गई और उस लड़ वो आज भी लड़का अभी मैं कुछ दिनों पहले गया तो वो लड़का उनके घर के ऊपर है आ, उस लड़के को उन्होंने पढ़ाया लिखाया वो न जाने किसका बस उन्होंने काम ये किया था कि पुलिस में सारे रिकॉर्ड उसके भाई ये लड़का हमको मिला है और जिसका भी वो आके ले जाएगा वो जब पढ़ लिख लिया तो उसने नेट से कंप्यूटर से उसने अपने गांव को तलाश किया तलाश करने के बाद से अब वो आगरा के एक गांव का लड़का है तो मालूम ये हुआ कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाए और बाशर हो जाए उसे चाहिए कि वो अपने माँ और बाप को तलाश करे तलाश करने के बाद से उनके हक को अदा करें अगर हम गुनाह करें और माफ़ी मांग लें फिर गुनाह करें और माफ़ी मांग लें ऐसे हम गुनाह करते जाएं और माफ़ी मांगते जाएं, तो हमारे गुनाह तो वैसे भी बढ़ते जाएंगे क्योंकि गुनाह करके माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन अब एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम उस गुनाह की माफ़ी मांगते हैं जो हम बार बार करते आ रहे हैं और माफ़ी भी मांगते जा रहे हैं तो क्या वो गुना हमारा माफ़ होगा देखिए सवाल ये है कि एक गुनाह होता है इख्तियारी और एक होता है बिला इख्तियार आदमी इरादा करता है कि गुनाह नहीं करेंगे मगर हो जाता है उससे जब हो जाता है तो अल्लाह के नामों में से एक नाम है तोाबो या तववाब के माने होते हैं तौबा के माने मालूम है आपको क्या है क्या है तो तोबा के माने माफ़ी के नहीं हैं तोबा के माने होते हैं पलटने के जब इंसान गुनाह करता है तो खुदा मुंह मोड़ लेता है मन आ रदाजिक्री जब अल्लाह ने देखा कि इसने गुनाह किया तो रब मुंह मोड़ लेता है अमिल मोमिन ने फरमाया तो जब आदमी इस्तार करता है तो खुदा फिर रुख उसकी तरफ कर देता है तो तोबा के माने पलटने के होते हैं अल्लाह के नामों में से है कि या तवाबो यानी बंदा गुनाह करता है गुनाह करने के बाद से चौंका जब चौंका तो अल्लाह ने फिर उसको अपनी नगाह रहमत से देख लिया तो कोशिश ये करना चाहिए तवसल करना चाहिए कि आदमी जब एक मरतबा गुनाह हो तो फिर इरादा पुख्त पुख्ता कर ले कि आइंदा नहीं करेंगे दोबारा भी हो गया तो कोशिश ये करना चाहिए कि अब तीसरी मरतबा ना हो तो आदमी जब इरादा करता है तो फिर कामयाब हो जाता है और जब इंसान का इरादे ही कमज़ोर होता है तो फिर इरादे के कमज़ोर होने की सूरत में तो अल्लाह से मदाक करना है जी कोशिशें करना चाहिए हर आदमी को इरादा सबसे बड़ी चीज़ है अगर खोलती हुई चाय रख दिए किसी के सामने तो अब वहाँ के ऊपर दिल चाह भी रहा है तो नहीं पिएगा वो खोलती हुई चाय कि पी लेगा खोलती हुई चाय नहीं पिएगा दिल तो चाह रहा है मगर उसकी गर्मी इसको रोक रही है तो आदमी को चाहिए कि आदमी गुनाह की गर्मी को समझ ले कि गुनाह के बाद जहन्नम में जाएगा अगर गर्मी है जहन्नम की गर्मी का एहसास हो जाएगा तो गुनाह छूट जाएंगे तो जैसे अगर हमने बोले कि हमसे कोई गुनाह होगा और हमने एक बार माफ़ी मांगे लेकिन फिर वही गुनाह कर लिए किसी ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं लेकिन देख लिया तो फिर माफ़ी मांग लो ऐसा देखिए गुनाह के लिए कोई देखे या ना देखे खुदा देख रहा है और गुनाह कहते ही उस अमल को जो खुदा के हुक्म के खिलाफ हो लहाजा जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल होता है उस अमल को कोई देखे या ना देखे आप घर में बैठे हुए हैं घर में बैठ करके के आदमी जो है नमाज़ अदा कर सकता है कोई नहीं देख रहा आप मसलन हॉस्टल में हैं अकेले हैं नमाज़ आपकी छूट रही है कोई नहीं देख रहा है खुदा तो देख रहा है लहजा गुनाह के लिए किसी का देखना मेयार नहीं है बल्कि गुनाह खुद इंसान को खुदा से दूर कर देता है कोशिश ये करना चाहिए कि बंदा अपने खुदा से करीब रहे और औरबत का कौन सा रास्ता है क़ुरान मजीद का आयत नहीं पढ़ सकता मैं चूँकि उस पर सजदा वाजिब है तर्जमा सुना रहा हूँ अल्लाह से करीब होने के लिए सजदा करो सजदा करो कि खुदा से करीब हो जाओगे शुक्रिया का साहब आजकल का जो दस्तूर है ज़्यादातर ये देखने में आता है कि घर में चार लड़के हैं और एक लड़की है तो चारों लड़कों की शादी तब तक नहीं होगी जब तक उस एक लड़की की नहीं होगी क्योंकि हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे घर में तुम्हारे घर में जवान लड़की बैठी थी और तुमने अपने लड़कों की शादी करवा दी तो ये तो दस्तूर सा हो गया है कि लड़कियों की शादी पहला होना चाहिए घर की और लड़कों की बाद में तो वही सोच अगर सबकी हो गई तो फिर तो किसी की शादी होने से रही क्योंकि जिनके घर में एक लड़की चार लड़कियां तो चार लड़कियां लाने के बजाय एक लड़की भेजना इनको शुरू में बेहतर लगता है तो उनकी भी वही सोच है तो इसके लिए फिर देखिए एक बात पहले ये समझ लीजिए लड़की जवान पहले होती है लड़का जवान बाद में होता है सोलह बरस में लड़की जवान हो चुकी होती है और सोलह बरस में लड़का जवान नहीं हुआ कहा जाता है ना इसलिए लड़कियों की शादी पहले की जाती चूँकि वो बालिक पहले होती हैं अब रहा ये सवाल कि जिसके घर में चार लड़के हैं और एक लड़की है तो जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती उस वक्त तक लड़कों की शादी वालदे नहीं करते ये कोई मेार नहीं है अगर लड़की पहले भूखी है तो वो खाना पहले खा लेगी लड़का पहले भूखा है वो खाना खा लेगा आया कोई ये घर के अंदर बना हुआ है कि जब तक के लड़का लड़की ना खा ले उस वक्त तक लड़का खाना नहीं है शादी इंसानी ज़रूरत का नाम है जिसकी ज़रूरत जैसे है उस ज़रूरत के एतबार से शादी हो जाना चाहिए अब अगर इस तरह का कोई मैार बन गया है कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती लड़कों की शादी नहीं हो सकती है तो कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे जैसे तरतीब से मिलते जाएँ रिश्ते उसी एतबार से शादी कर देना चाहिए अगर कोई इंसान मस्जिद या पे मस्जिद या इमाम बाड़ा या फिर किसी गरीब के नाम से कोई पैसा किसी के हाथ में देता है तो उस इंसान का फ़र्ज़ होता है कि वो अगर मस्जिद के नाम का कोई भी चीज़ हो तो मस्जिद तक पहुँचाए या किसी आलिम दीन के नाम की कोई चीज़ है तो उन तक पहुँचाए या किसी इमाम बाड़े की जगह है तो उन तक पहुँचाए लेकिन वो ये सब ना करके अगर वो पैसा या वो कोई चीज़ अपने ऊपर अगर खर्च करे या अपनी सहूलियत पे उसको इस्तेमाल करें तो वो कैसा है देखिए ये मसला बहुत आसान है दो जुमलों में इसको तो ख़त्म किया जा सकता है कि हमेशा इंसान को माल हलाल अपने लिए रखना चाहिए फ़ी ये बात हदीसों के अंदर है फ़ी हलाल हा हिसाब व फ़ी हराम यानी हला हराम अगर माल है तो उसका सवाल होगा कि ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया और जब ये सवाल होगा कि पैसा कहाँ से आए तो नतीजा ये होगा कि परवरदगार आलम हराम की कमाई के किसी अमल को कबूल नहीं करता क़ुरान मजीद की एक दूसरी आयत तो अनुवाहा ये तक कब्बल चलिए माल हराम से पैसों को जमा किया हज करने चले गए माल हराम से पैसे को जमा किया और मस्जिद बनवा दी तो अब यहाँ के ऊपर मस्जिद बनने का सवाब इसको नहीं मिलेगा हज करने का सवाब नहीं मिलेगा चूँकि कुरान ने पहले ही शर्त लगा दी है वो शर्त क्या इलाकबलो मिनलम्तकी अल्लाह मुत्तकी के अमल को कबूल करता है तो ये मुत्तकी था नहीं लादा मस्जिद यजीद अगर मस्जिद बनवा देता तो क्या मैं यजीद की मस्जिद काबिल कबूल ख़ुदा के घर में थी मस्जिद तो बहुत सी है मस्जिद ज़रार जिन लोगों ने बनवाई थी कुरान कहता मस्जिद ज़रार कुछ मुनाफ़िन ने एक मस्जिद बनवा दी थी पैगंबर को बुला रहे थे कि आप आइए इसके अंदर नमाज पढ़िए ताकि उसके बाद वो उसको गिरा दें अल्लाह ने मना किया कि आप इसके अंदर मत जाइएगा तो मन बनाया तो तो मस्जिद था लेकिन मकसद क्या था उसका पैगंबर को अजियत देना अगर किसी ने किसी के माल को ग लिया है और गसब करके उसको कारैर में ख़र्च किया है तो ये याद रखिएगा उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा शुक्रिया मौलाना साहब आजकल ये बात आम सी हो गई है कि अगर आगा या मौलाना साहब से कोई मसला या इसखारा निकलवाना है तो लोग अपने लोग आलिम साहब पर अपना हक़ जताते हुए पूछते हैं मगर उन्हें जब कोई हदिया देने की बारी आती है तो सब मुंह छुपाते हैं तो हमें हमें आलिम दीन के लिए क्या करना चाहिए जिससे हम अपने फर्ज से फारिग हो सकें देखिए मसला ये है कि हर काम का उजरत नहीं दी जाती अब अगर आलिम दीन ने सहारा देख दिया है तो उजरत के तौर पर उसे कुछ देना मुनासिब नहीं है चूँकि दीन की खिदमत में हर जगह के ऊपर उजरत मैार नहीं रखी गई है लेकिन बाशूर और बासमझ लोग ऐसा करते हैं कि वो किसी न किसी बहाने सेम दीन तक को अपने हदिए तोहफ़े पहुँचवा दिया करते हैं अब ये आदमी एक तरह का नहीं होता कुछ आदमी बकील होते हैं कुछ सखी होते हैं तो जो लोग बकील होते हैं वो काम निकलवा तो लेते हैं लेकिन रिटर्न उन उनसे नहीं मिलती लेकिन कारी दुनिया बहुत दराज है और अल्लाह बहुत बुज़ुर्ग है लिहाजा चूँकि ये मसला ओलमा से मुतल है लिहाजा इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालना मुनासिब इसलिए नहीं है कि आवाम जो देखेंगे वो ये समझेंगे कि अपने लिए गुफगू हो रही है लेकिन बहरहाल आदमी जब हो, सखी होता है तो किसी न किसी राह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहल्ले में डॉक्टर हैं और वो अपने मोहल्ले के लोगों से फ़ीस नहीं लेते इलाज फ्री में कर देते हैं दवा लिख के दे दिया कि जाइए ख़रीद के ले लीजिए लेकिन मोहल्ले के लोग उस डॉक्टर के लिए कुछ ना कुछ तोहफ़े लेते आते हैं आ, कभी मैं सफ़र में गए तो मालूम यह हुआ कि कोई गिफ्ट ला के दे दिया कि मैं सफ़र में गया था आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ तो सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं होते जो आलिम दीन से बचते हैं बल्कि कुछ सखी भी हैं जो आलिम दीन के लिए बहुत कुछ कर दिया करते हैं जी शुक्रिया का साहब अगर कोईम दीन जो मस्जिद के मेंबर या इमाम वाड़े के मेंबर से कोई भी खुतबा या मजलिस मजलिस पढ़ते हैं तो वो अपने फ़जाइल और मसाइब में इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर देते हैं जो जो चीज़ें पहले सुनते थे या बचपने में सुनते थे वही चीज़ें अब सुनने को नहीं मिलती उनमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं जैसे फ़जाइलों में भी इतनी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं जो तफसीर तो हम लोगों के उसमें है नहीं इतिर में कि उसकी तफसीर तक जाएँ मगर वाह भाई के लिए ये इतना करना मुनासिब है देखिए ऐसा है कि अभी तो ख़ुद आपकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है आप अभी तो बचपने के दौर ही से गुजरे हैं बचपने में जो आपने सुना तो जिन लोगों से बचपने में आपने बातें सुनी वो आपको आज के लोगों से जो बातें सुन रहे हैं उसमें डिफरेंस और फ़र्क लग रहा है बहुत ज़्यादा तो मसलन क्या लगता है मसलन जैसे फ़जाइल हज़रत अली के फ़ज़ाइल जब पहले होते थे तो एक समझाइश के तौर पे होते थे कुछ सीख के हिसाब से होते थे लेकिन अब जो फ़जाइल होते हैं वो सिर्फ वाहवाही के लिए सिर्फ़ उनके जो फ़जाइल थे जब मरहब को उन्होंने मारा उस जैसा वैसा वो फ़ज़ाइल था तो उस फजाइल में इतनी ज़्यादा एडिटिंग हो जाती है कि उसको ऐसा मारा ये बोला ये किया तो ये सब देखिए ऐसा है कि मोमिनीन मोमिन अलीब ने तालिब अलैहिस्सलाम तो के फजाइल हैं इतने ज़्यादा हैं इतने ज़्यादा और कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनको बात कहने में बड़े लखलखे से बात कह देते हैं तो अगर ये आपने किसी को बयान करते हुए सुना उसने जंग खंदक बयान की और बड़े लखल से बयान की तो आपने अनीस का मरसिया पढ़ा अनीस का जब मरसिया पढ़ेंगे तो मालूम यह हुआ कि हज़रत अब्बास चल रहे हैं तो एक हसन अदा होता है अदा करने का तरीक़ा होता है लिहाजा अगर कोई शक़ फ़ज़ाइल अलीब ने अभी तलब आसलातम को वाक़या पूरा है उसके अंदर कोई झूठ नहीं शामिल है वाकई के अंदर सच्चाई है अदा उसकी हुसन अदा तो इसमें कोई मा नहीं है फ़जालैत सलातम को हर आदमी को चाहिए बयान करे अब आपका जो अंदर से सवाल की रूह है वो मैं मैंने पकड़ ली है वो आप ये कहना चाहते हैं कि आज जो तामीरी बयान भी होना चाहिए ऐसा सिर्फ बयान न हो जिसके अंदर वाह वाह ही रहे बल्कि इंसान के सुधरने बनने निकलने के भी पहलू पाए जाना चाहिए लिहाजा एक तरह के खतीब भी नहीं होते कुछ वो लोग होते हैं जो मुआवजा कहते हैं वो उन पहलुओं पर जिससे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली पैदा हो उन पहलुओं के ऊपर रोशनी डालते हैं और ये हमेशा रहा मसल इमाम जाफर सलाम की खिदमत ना, में, में, ना, में किसी ने आके सवाल किया तो इमाम ने इस तरह देखा और देखने के बाद जो असाब बैठे थे और कहा कि सा इनके सवाल का जवाब दे दो अब फिर थोड़ी देर बाद कोई आया तो इमाम ने फरमाया कि जरा जरास तुम इसका जवाब दे तो अफराध एक जैसे नहीं होते किसी का मिजाज फ़िक का होता है किसी का मिजाज मुनादरे का होता है किसी का मिजाज मुआज़े का होता है किसी का मिजाज हदीस का होता है लिहाजा ज़ाकरीन भी इसी तरह के पाए जा रहे हैं कुछ वो लोग हैं जो हदीस से अहले बैत बयान कर रहे हैं कुछ वो लोग हैं जो जंग अहल बैत बयान कर रहे हैं कुछ वो लोग हैं जो अहल बैत के मुआवजे बयान कर रहे हैं कुछ वो लोग हैं जो सिर्फ और हद अमिल्मन के दूसरों से जो मकालमे हुए हैं या नजब के अंदर जो गवर्नरों के नाम खुदबे हैं उसे बयान कर रहे हैं तो अफरा के सोच अलग अलग जैसे टॉपिक बहुत से होते हैं कोई कामर्स में है कोई साइंस में है जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो इसके अंदर न जाने कितने शोबे हैं एक शोबा नहीं है तो इसी तरह से खतीब भी जब एम्बर पर जाता है तो बैत के हज़ारों फज़ाइल के पहलू हैं आपने किसी एक दो को सुन लिया एक ये तो अगर हमें इसके जब हम मजलिस या किसी भी खुदबे को सुने तो जाहिर सी बात है उसमें फ़जाइलें तो बयान होंगे मगर अगर उस फ़ज़ाइल के साथ कुछ नसीहतें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आने हाँ। वाली नस्ल के लिए तो अब वही तो मैंने आपसे कहा कि एक आदमी को ज़रूरी नहीं कि दोनों चीज़ों के ऊपर अबूर रखता हो इसीलिए मुख्तलि मजलिसें होती रहती हैं कभी एक जाकिर आया जिसने जंग पढ़ दी कभी दूसरा आया उसने नसीहत की बातें पढ़ दी कभी तीसरा आया उसने तफसर की बातें पढ़ दी इसी लिए हमारे यहाँ अहल बैत के मम्बर से मुख्तलिफ़री के ज़रिए से शेह कौम को वो चीज़ें मिल जाती हैं जो दूसरी कौमों को नहीं मिलती अब रहा आपका वो शौक़ कि साहब फ़ाइल के साथ नसीहतें भी हों मौजू दे दीजिए आप जाकिर को मौजू पह पहले से दे दीजिए कि बेहतर ये होगा आप तकवे के ऊपर तकरीर कीजिए बेहतर होगा आप जो हैं नमाज की अहमियत पर तकरीर कीजिए बेहतर होगा कि आप हकूक़ हमसाया पर तकरीर कीजिए जब आप टॉपिक दे देंगे तो फिर अब वो जाकर उसी टॉपिक पर बोलेगा तो उसमें यह है कि वो आपके शौक़ और वोक़ और आवाम के एतबार से भी कुछ चीज़ें हो जाएंगी कुछ चीज़ें जो वो अपने एतबार से भी बयान कर देगा तो ये अच्छी चीज़ है जी शुक्रिया का साहब अगर ऐसा हो कि हमारे घर या रिश्तेदारों में ऐसा हो कि कोई भी नज़र या कोई भी खानदानी या जैसे हमारे घर में कोई भी नज़र होती है या कोई भी ख़ानदानी रिवाज होते हैं अब जैसे किसी चीज़ की नज़र हो रही तो बोलते हैं कि ये किसी खातून की नज़र है तो प्लेट ढाँक के दी जाए ना महरम ना देखे खाने को अब उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे वो है तो कहते है नहीं हमारे खानदान में यही चला आ रहा है तो अगर उनके घर में कोई पढ़ा लिखा और वो अगर उस चीज़ को खोल के करे नज़र खोल के करे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे खानदान में यही होता आता है तो उस पर क्या लाजम है कि वो खानदान के हिसाब से चले के इल्म के और इस्लाम के हिसाब से चले देखिए आदमी पाबंद तो है हुक्म खुदा का खुदा का हुक्म है कि वो उस एतबार से काम करे लेकिन काम में कभी कुछ अमल ऐसे हो जाते हैं जो कि खुदा के हुक्म की मुखालफत नहीं है असल चीज़ है निकाह करना असल काम है निकाह करना लेकिन निकाह के लिए मैरिज हाल में निकाह हो वो ज़रूरी तो नहीं है लेकिन अगर किसी का घर का ये असूल है कि निकाह उसका मैरिज हाल में होगा तो उसमें कोई मजाक़ा नहीं है हराम काम नहीं होना चाहिए अगर नजर शरी नजर हो रही है अहले बैत की ख़दमत में हदिया किया जा रहा और किसी के यहाँ का यह दस्तूर ये है कि मसन मोहतरम कोई ख़ातून है इस्लाम की मतलबात में जहरा की नज़र है हज़रत ज़ैनब सलामल की नजर है या मादरान आईम हदा सलाम की नज़र है तो उन लोगों ने अहतराम उसे ढक दिया है और आप किसी ऐसी जगह के ऊपर पहुँचे जहाँ चारदा मौसमिन की या फातिमा जहरा की नज़र खुली हुई हो रही है तो इसमें कोई एतराज़ की जगह नहीं है वो उनके उन्होंने भी एहतराम उसे ढका है वह इसके अंदर तोहन फातिमा जहरा नहीं मकसूद थी उनका मकसद है कि फ़ातिमा जहरा जैसी ख़ातून है लिहाजा उनकी नज़र को ढक दिया जाए अच्छा उन्होंने भी बना वो अहतराम से किया इन्होंने जो खोल के नज़र की है तो उन्होंने इनका मकसद ये नहीं है कि फ़ातिमा जहरा की तोहन करें बचपन से इन्होंने देखा कि इनके घर में नज़र जब होती है फ़ातिमा जहरा की तो इसी तरह से होती है उन्होंने बचपन में अपने देखा कि नज़र होती है तो ढकी हुई होती है लिहाजा दोनों में कोई टकराव नहीं है तो असल चीज़ थी फ़ातिमा जहरा को कुरान के सूर् पढ़ करके हदिया करना इन्होंने भी हदिया किया इन्होंने भी हदिया किया इन्होंने ढक करके उस नज़र के सामान को बारगाह में पेश किया इन्होंने खुला हुआ पेश कर दिया इससे कोई रब शहज़ादी के बारगाह में पेश कर दे कोई रब फ़र्क नहीं आ तो अब जैसे वो के ही ज़िद पे अड़ गए कि नहीं ढक के ही नजर होगी तो फिर जाहिर थी बात है कोई मर्द तो नज़र देने से रहा क्योंकि जब ढांकने से पर्दा हो रहा है तो फिर मर्द नज़र देगा तब भी तो पर्दा ही कहलाएगा तो फिर किसी शायद आपके जहन में किसी ख़ास इलाके की कोई बात हो नज़र तोहफा देने के लिए शर्त ये नहीं कि औरत को औरत तोहफा दे और मर्द तोहफा न दे तो वही बात है आँ... लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब आप नज़र दे रहे हैं तो उसको ढाँक के दें क्योंकि किसी मर्द की नज़र ना पड़े तो मर्द की नज़र ना पड़े लेकिन नजर करने वाला तो मर्द ही है ना देखिए आपकी एक लफ्ज़ अभी आपने कहा ज़िद है ज़िद के माने यह है कि वहाँ के ऊपर हकीकता मसला का नहीं है मसला अना का है तो अना का मसले को चाहिए कि जहाँ तक हो सके टकराव से आदमी बचे ये आपने जो कहा लफ्ज़ ज़िद ज़िद के ज़रिए से अगर कहीं के ऊपर टकराव हो रहा है तो हालात को देखते हुए वहाँ के ऊपर टकराव से बचना चाहिए इसलिए कि कभी भी शरीयत ने ये नहीं कहा है कि आदमी दीन के रास्ते में जब चल रहा है तो वहाँ टकराने का क्या तस्व रहा है टकराना नहीं चाहिए जहाँ तक हो सके हालात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए आ, आज के वक्त में ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि लड़की बाले हुई उसकी शीद शादी करा दो लड़की की एज अठारह उन्नीस साल होती है और उसकी शादी हो जाती है पढ़ाई लिखाई भी छूट जाती है और घर के काम में लग जाती हैं फिर बाद में ये देखा जाता है इक्कीस बाईस पच्चीस साल तक की उम्र में उनके डिवोर्स होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लमें सामने आती हैं ये ज़्यादातर आज की डेट में देखा जा रहा है कि कम उम्र में उनकी शादी करा देना पढ़ाई या छोड़वा देना और उसके बाद फिर जो उनके डिवोर्स होना और उनके सामने जो परेशानियां पेश आती हैं इसके लिए फिर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखना चाहिए हमारे फिरके में आ, इर्शाद पैगम्बर अक्रम है कि आना मदीनतम वालि बा और इस हमारे फ़िरक़े में एक इम्तियाज़ ये है कि जो भी ख़वान् गुजरी हैं हमारे फ़िरक़ मत खदीज कुबरा सलामल्ला रसोल्ला की बीवी थी फ़क़त वो बीवी नहीं थीं वो वर्क़ा इबन नोफुल से उनके यहाँ बायदा डिबेट होती थी वो बैठती थी और उस वक्त के से डिबेट होती थी तो सबसे पहली चीज़ यह है कि औरत को पढ़ा लिखा होना चाहिए उस वक्त की आसमानी जो किताबें थीं सुहाफ़बरा वमूसा यानि इंजील भी थी तोड़त भी थी ज़ुबर भी थी और बहुत से जो सहीफ़े अम्बिया पर आए थे उन सारे सहीफ़ों पर हजरत खदीजा की नज़र थी तो अहल बैत के मानने वालों को चाहिए कि वो अपनी लड़कियों को खदीज कुब्रा की तरह से आला तालीम दें तालीम के मैदान में दुनिया के दूसरे लोगों को कमज़ोर होना चाहिए चूँकि उनका उनके सामने कोई आइडियल नहीं है लेकिन हमारे सामने आइडियल मौजूद है पैगंबर शहर इल्म हैं अमिल ममिन दरवाज़ इल्म हैं और उसके बाद से खदीज कुब्रा अपने ज़माने की बहुत बड़ी आलमा थीं फातम ज़रा सलाम इतने ही थी कि उनके पास मलक आ रहे थे लिहाजा जो लोग भी लड़कियों की शादी बहुत जल्दी करना चाहते हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लड़कियों को तालीम का पूरा हक़ दिया जाए और आपने ये बात जो कही कि सोलह सत्रह साल में अब तो इंडिया में भी इसकी इजाज़त नहीं, नहीं 18 है।, एटीन हो गई। है? एटीन है हाँ अब नहीं है इसकी इजात बल्कि और भी बढ़ गई है कि बीस और इक्कीस से पहले शादी नहीं करना चाहिए अठारह लड़की और इक्कीस लड़का है लड़का है तो अब आप बताइए अट्ठारह बरस में जब वो लड़की पहुंच जाए तो अगर उसने पाँच साल की उम्र से पाँच में वो पहली में थी अट्ठारह में तक पहुंचते-पहुंचते किस क्लास में है वो ग्रेजुएट हो गई हैं तो ग्रेजुएट तो हो गई हो गई या नहीं हुई ग्रेजुएट तो हो जाएगी ना तो अब अगर लड़की ग्रेजुएट हो गई है तो खुद ही वालदेन ऐसी लड़कियों को जो पढ़ने में बढ़ रही हैं उनकी शादियों को दो साल एक साल तख़िर से अगर करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा रहेगा तो लड़कियों से अगर इजाज़त ली जाए कि इस लड़के से शादी कराएं यानी ये पूछना ज़रूरी है या नहीं इस्लाम में देखिए लड़के लड़की को एग्रीमेंट करना है उनको ज़िंदगी चलानी है जब उनको ज़िंदगी चलानी है तो लड़के और लड़कियों को पता होना चाहिए कि हमारी शादी किससे हो रही है लड़की को भी मालूम होना चाहिए कि हमारी लड़ हमारी शादी कैसी किससे हो रही है गूँगे से हो रही बहरे से हो रही पढ़े लिखे से हो रही है अब आप माशाल्लाह इंजीनियर हैं अब आपकी शादी जब होगी तो आप बस यूं ही जिसने रिश्ता तय कर दिया उससे बस आँख बन कर, कर लेंगे कुछ तो आपको इतला हासिल करनी होगी मालूम करना होगा कि आया जिससे हम रिश्ता करना चाहते हैं और घराना क्या है हैफत आबरू तालीम कैसी है आगाही और इतला ऐसे होना चाहिए बग़ैर उसके सही नहीं है कि आदमी तो इजाज़त ज़रूरी है लड़का और लड़की की इजाज़त क्या बच्चे यहाँ तक शरीयत ने बयान किया है कि वो आपस में आकर के एक दूसरे से मिल भी सकते हैं तो हजाब के साथ पर्दे के साथ लड़की लड़के से आके मुलाकात करके अपने आइंदा फ्यूचर से मुतक दो चार दस गुफ्तु भी कर सकती है शरीयत ने इसकी इजाज़त दे दी, दी है जी शुक्रिया आगा साहब लिहाजा ये आप अपने जहन में रखिए कि सबसे बेहतरीन मजहब इस वक्त मकतब अहल बैत है जिसके हर पहलू के लिए कोई ना कोई बयान अहल बैत पाया जा रहा है जी। तालीम के मैदान में भी अहल बैत के मानने वालों को चाहिए कि जैनब कुबरा की तकरीरें जो तो बाजार और शाम में हुई थी उसने तो सबके जहनों को हिला के रखा यानी इस मकतब में औरतों को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए और कौन सी तालीम हो वो भी आप सुन लीजिए जब पैगम्बर अक्रम मजबूर किए गए और उन पर जंग ला दी गई वरना वो तो हिजरत करके मक्के से आ गए थे कि चलो अब वहाँ जीने नहीं दे रहे हैं तो हम मदीने में आ जाएँ मदीने में चढ़ाई की और चढ़ाई करने के बाद से आपने देखा बदर वहद सारी जंगें पैगंबर पर ला दी गई डिफेंस में पैगंबर ने जंग की है उसमें पैगंबर ने फरमाया कि जो औरतें हैं वो जाएँ और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करें तो मरहम पट्टी कौन करेगा यानी लड़कियों को डॉक्टर होना चाहिए यहाँ तक पहुँचना चाहिए कि वो बीमारों का इलाज कर सके ये पैगंबर की हयात का बेहतरीन उन्हें समझा दिया कि जो ज़ख़्मी हैं उनको औरतें जाएँ मरहम पट्टी करें लड़कियों को चाहिए कि इस शोबे में ज़्यादा आगे बढ़ें एक टीचिंग टीचिंग लाइन में जाएँ जनाब खदीजा जनाब ज़ैनब जनाब फातम जहरा से लोग आके सवाल कर रहे थे और फिर उसके बाद दूसरा कि जंगों में जो लोग ज़ख़्मी हैं उनकी मरहम पट्टी करें तो डॉक्टर बने इंजीनियर के जगह के ऊपर प्रोफेसर बने कॉलेजों में पढ़ाएं ताकि नस्लों को तरबियत दे सकें तो पढ़ाई से रोकने के लिए भी कोई वो नहीं इस्लाम नहीं रोकता है नहीं रोकता पढ़ाई। समाज किसी का रोक दे तो और बात है ऐसे हिंदुस्तान में अब समाज भी नहीं रोक रहा है जो लोग बहुत ही गिरी जिंदगियों के गोद में पले हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी जी शुक्रिया का साहब और ये मेरा आखिरी सवाल है ये जो इंसान देखा जाते हैं मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करता है अच्छा <laughs> यानी नमाज पढ़ना पांचों वक्त और कुरान तलावत कुरान दुआएं, हर चीज़ को अंजाम देना गुनाहों से बचने की पूरी यानी कोशिश करना क्योंकि कभी कभी तो पता भी नहीं होता कि गुनाह हो गए तो पूरी कोशिश करना उसके बाद भी अगर फिर भी ऐसा लगे कि परेशानियाँ आ रही हैं हो सकता है मेरी नमाज कबूल ना हुई हो या फिर कोई गुनाह हो गया हो या फिर मेरा इम्तिहान चल रहा हो तो ऐसे ख्याल दिमाग में उठते रहते हैं तो ये किस हद तक सही है कि इंसान ये सोचे कि हमारी नमाज कबूल नहीं हो रही है या फिर हमें किसी की कोई बात लग गई हो या किसी ने हमारे लिए बुराई किया हो या ये कुछ सही है या फिर सिर्फ एक कहने की देखिए इंसान का जहन तो एक बहता हुआ दरिया है ख़यालात तो आएंगे, ख़यालात से आप बच नहीं सकते ख्याल आते रहेंगे तरह तरह के लेकिन हर अमल अपने आपने किसी से टेलीफोन पर बात करना चाहा बात करने के लिए आपने जो है उसके नंबर को मिलाया जब नंबर को मिलाया तो अब आपको क्या शुभ है कि ये नंबर सही है या गलत है जब आपने सही नंबर मिला दिया और आपने देख लिया कि आपके मोबाइल पर वही नंबर है अब आपने जो है कॉल करना शुरू किया तो अगर आपने तमाम शरायत के साथ तो नंबर मिला लिया है तो अब आपकी कॉल बिल्कुल सही जिससे आप बात करना चाहें वहाँ तक पहुँच जाएगी इसी तरह से अगर किसी शख्स ने शरायत के साथ नमाज पढ़ ली शरात नमाज क्या है कपड़े का पाक होना ठीक है कपड़े का पाक होने के साथ साथ दिया हुआ कपड़ा हो हु। अगर हमस नहीं देता तो उसकी नमाज सही नहीं है उसके बाद से उसने नमाज के रुकन को भी सीख लिया कि रुकन नमाज पाँच है नीयत है तकबीरतलहराम है कयाम है कयाम मुतसिल रुकू रुकू और दोनों सच अगर ये भूले से भी छूट जाएंगे तो नमाज उसकी बातिल हो जाएगी अगर किसी शख्स ने पूरे शराइत के साथ नमाज अदा कर दी अब उसके जहन में ये शक क्यों है कि हमारी नमाज कबूल नहीं है शक आया क्यों भाई हमसे जो हो गया एक नौकर से आपने भेजा जाओ और जाओ के बाजार से एक पैकेट चाय लेते आओ एक किलो शक्कर लेते आओ एक किलो एक लीटर दूध लेते आओ वो गया और बाजार से उसने शक्कर भी ले ली चाय का पैकेट भी ले लिया और एक लीटर दूध लिया वो जब पलटेगा वो सुकून से पलटेगा या बेचैनी से पलटेगा सुकून से सुकून से पलटेगा मालूम हुआ कि अगर मुलाजिम ने मालिक के मंशा के मुताबिक सामान ले लिया है तो वह सुकून से पलटेगा लिहाजा अगर किसी ने खालिफ़ के मंशा के मुताबिक नमाज पढ़ ली है तो शक का है कह तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई मुसीबत आती है अरे तुमसे वो हो गया होगा तुमने ऐसा कर होगा, तुमने वैसा जबकि हम तो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है जाने अनजाने में तो वो अब आपकी मुराद अगर ये कि मुश्किल दुनिया का नाम अगर है अज़ाब और गुनाह तो फिर अहिल से ज़्यादा किसने मुसीबतें उठाई हैं अहले बैत तो सबसे ज़्यादा मुसीबतें उठाई तो इसके मतलब वो गुनाहगार थे खुदा न खास था नहीं तो मालूम यह हुआ कि कुरान मजीद कहता है कि बल बिलसनात व सयात हम हर इंसान को इस दुनिया में आजमाएंगे जब आजमाना है तो नेकूकारों को भी आजमाएगा और बुरे लोगों को भी आजमाएगा लिहाज़ा मुश्किल दुनिया को अपने गुनाहों का नतीजा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए हाँ गुनाह असर तो डालेंगे डालेंगे असर ऐसा नहीं है अगर कोई शख्स चोरी करता है तो यक़ीन खौफ तो उसको रहेगा कि भाई हमने चोरी की है न जाने कब पकड़ जाए लेकिन ये समझ लेना कि साहब जो डर रहा है वो चोर है ऐसा नहीं है हर डरने वाला चोर नहीं है तो मुमकिन है कि अगर किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो रहा है कि गुनाह से आ, हमारे लिए मसाइल और होते हैं लेकिन जब आदमी ने गुनाह नहीं किया तो अगर मुश्किल उभर रहे हैं तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि पता नहीं हमारी नमाज कबूल हुई नहीं शरात के साथ नमाज़ पढ़िए शराइ के साथ रोज़ा रखिए उसके बाद मुश्किल हो सकती है कभी भी आदमी इस दुनिया में मुश्किल से दो चार होगा और परेशानियाँ आएंगी मत देरपा नहीं होती मोमिन की परेशानियाँ चली जाती हैं मुश्किल के लिए किसी पे ब्लेम करना भी सही नहीं है देखिए ब्लेम से मुराद आपकी यह है कि कोताही सामने वाले ने नहीं की है आप लेके गए एक मरीज़ को डॉक्टर के पास डॉक्टर ने जी जान लगा करके उसका इलाज करना चाहा अब इलाज किया और क़ज़ा इलाही नहीं थी शफा नहीं हुई उसने अपने एतबार से सब कुछ किया अब उसके ऊपर कहा कि अगर इसने सही से देखा होता ये बिलेम है ये नहीं कहना अच्छा अगर सामने वाला कोई कोताही नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत है बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपने मेरे सवालों के जवाब दिए बहरहाल ख़ुदा आपकी तो़ीक़ात में इजाफ़ा करें और आपने जितने भी सवाल किए इन सवालत में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी एक अपने हाल दिल को कोमूमी सवाल बना के पेश करता है जी। समझ रहे हैं जी है तो वो उसका अपना ज़ाती पर्सनल सवाल लेकिन उसको अमूमी बना देता है लहाजा जिस इसके अंदर जितने भी अमूमी सवाल आपने बनाए हैं अगर वो आपके पर्सनल सवाल हों तो हमारे जवाब पर भरपूर आप तवज्जो दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उस तरह के ख़यालत की दुनिया से निकलें और अच्छे से दीन दीदारों के साथ रहें दीन की तरवीज में हिस्सा लें और उसके साथ साथ अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतरीन मजहबी ज़िंदगी में तब्दील करते रहें कि है माशा मजहबी एक मौका में आने के माना यही हुए कि आप विन चैनल देखते रहते हैं मुझे कभी पहले भी देखा था माशा खुदा आपकी तो़ीक़ात में इजाफा करें हम दुआ करते हैं कि आपकी आइंदा जो ज़िंदगी है आने वाली ज़िंदगी उसके अंदर आप एक अच्छे ख़ानदान की फ़र्द बने और अपने वालदन के लिए एक होनहार और पसंदीदा औलाद में अल्लाह आपको करार दे अपने वालिद का भी ख्याल रखिएगा अपनी वालिदा का भी ख्याल रखिएगा जी नाजीन एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके दरमियान जैसा कि आप देख रहे थे बेहतरीन सवाल पूछ रहे थे हमारे प्रोग्राम में एक मौका में मसहब मतलब आपने इनके सवाल देखे सवाल देखने के बाद आपको कैसा लगा हकीक़त में इन सवालों की ज़रूरत है बहरहाल पता तो चलता है कि ये माशा कौम के लिए एक सरमाया बनेंगे जी और आने वाले दिनों में इनको देख कर के और भी अफराद नौजवान आएंगे दोनों एतबार से मज़बी इतला की भी ये तशना है और दुनियावी इतला भी इनकी माशा इंजीनियर हैं जी और आने वाले दिनों में ये अपने जैसे बहुत से नमूने कौम के लिए करेंगे फराम करें जैसा कि हमारे प्रोग्राम का दस्तूर है एक मौका में जब भी कोई आता है तो हम चाहते हैं कि एक निशानी के तौर पे आपके हाथों से ये दिया जाए इनको हमेशा ये याद रखें माशा माशा शबर आप बताइए कि प्रोग्राम एक मौका में आके आपको कैसा लगा माशा बहुत अच्छा लगा मेरे दिल में जो भी सवाल थे मैंने उनका जवाब हासिल किया okay. और माशाला आगे गुमराही में जाने से बचा चलिए अलहमदिल्ला प्रोग्राम एक मौका में आप आए अब यहाँ से कोई पैगाम कोई अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जी मैं मैसेज तो देना चाहूँगा कि मेरे दिल में भी बहुत सारे सवाल गलत सवाल थे जो मुझे गलत राह की तरफ़ ले गए कभी उनका जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं किया और ना ही करता था कभी ढूंढने की अगर मन भी करता था तो डर लगता था शर्म आती थी मगर हिम्मत करके जब पूछा तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी जो भी मेरे भाई बहन आए वो भी अपने सवालों को यहाँ से हासिल करें और गलत राह में और गुमराही से गुमराही में जाने से बचें चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तो उम्मीद करता हूँ कि आप मौलाना साहब के जवाब से मुतमईन हुए होंगे और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला अपना और आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आए जी शुक्रिया जी हाँ नाजिन अगर आप भी चाहते हैं शब्बर हुसैन जैदी की तरह एक मौका हासिल करना तो इसके दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं कम से कम जो है दस सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बीस सवाल आप अपने ई कर सकते हैं हमारा ई एड्रेस है ई एम ज़्यादा मालूम के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं प्रोग्राम में एक मौका में कैसे हिस्सा लिया जाए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है और हमारा कॉलिंग नंबर है 9619667578 दिन और आखरत की ज्यादा मालूम के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन शुक्रिया खुदाफि